हेलो गाइस, दिस इज श्रीयोग सिद्धांत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 वैसे क्वेश्चंस जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे और कंसंट्रेशन यूनिट आपको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक काम करें आप लोग, पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है। ठीक है, कम से कम आप इसमें तो 5 क्वेश्चन देख ही रहे होंगे। आप इसको क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बनाएं, ट्राई करें और फिर मेरा अप्रोच भी देखें, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, ले लें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, आई थिंक ले लिया होगा। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ले लें आप लोग। आई थिंक फिर से आपको 6 से 10 क्वेश्चन तक आपको आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ठीक है, तो 10.5 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं। तो आप एक काम करें, पहले सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें पॉज करके और आंसर देख लें। उसके बाद जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, ज़्यादा दिक्कत हो, उसका आंसर आप देखें कि मैं कैसे बना रहा हूँ, या फिर हर क्वेश्चन का अप्रोच भी दे सकते हैं कि मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है आपने भी उस क्वेश्चन को बनाया हो लेकिन मेरा जो अप्रोच हो सकता है कुछ बेटर हो। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है बच्चों और ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई थिंक 2003 या 2004 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि आखिर किसी भी प्योर मटेरियल का आप किस तरह से मोलैरिटी निकाल पाते हैं, क्योंकि मोलैरिटी जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो किसी सॉल्यूशन का ही डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे तो प्योर वाटर है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से मोलैरिटी निकालेंगे देखते हैं। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस रहे, यहाँ पे मान लो मैंने प्योर वाटर ही ले लिया है। अब क्वेश्चन जो कि प्योर वाटर ही है तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, कोई भी प्योर वाटर आपने लिया होगा तो उसका एक सर्टेन आप मान सकते हैं कि कुछ अमाउंट आपने एज्यूम कर ले लिया है। जैसे मान लिया मैंने कि वेट जो है उस वाटर का मैंने एक्स ग्राम ले लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम लोगों को पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। एक बात याद रखें, वाटर की डेंसिटी आपको याद रखनी है, किसी और लिक्विड की आपको याद हो या ना हो तो आपको ये याद रखना है, ये 1 ग्राम पर ml होता है, या फिर कह सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर होता है। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग 1 kg per liter भी कह सकते हैं, 1 kg per liter। ठीक है बच्चों, तो चूंकि आपने यहाँ पे लिया है वेट को ग्राम में, तो हमने क्या करना है कि वॉल्यूम को निकालना है मिलीलीटर में, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml यहाँ पे ले लें, तो x ग्राम इंटू 1 जो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाती है बच्चों xml हो जाती है। तो यही अपना सॉल्यूट है और ये अपना सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो जो वेट हम लोग लेंगे प्योर मटेरियल का, वो उसका सॉल्यूट का वेट मेजर किया जाएगा, और जो वॉल्यूम आप लोगे बच्चों वो उसका उसी का जो वॉल्यूम होगा वो उसका वॉल्यूम माना जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप मोलैरिटी आप निकालना जानते हो, नाउ मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग को पता है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो अपने पास है नहीं, तो जिस मटेरियल का आपको निकालना होता है मोलैरिटी उसी का वेट लेना है आपको। तो एक्स ले लें इनटू 1000, अब फिर आपको नंबर ऑफ मोल से इसको डिवाइड करना होगा, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको मॉलिकुलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मॉलिकुलर वेट इसका कितना होता है वाटर का, 18, और मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपका xml ही तो है, ये x, ये कट जानी है, यहाँ हो जाएगा
थाउजेंड अपॉन 18, ठीक है, और ये इसका वैल्यू आ जाता है आप लोगों को 55.5 m, ये आ गए आपके आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आंसर 55.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्योर मटेरियल का आपने निकालना सीख गया, किस तरह से मोलारिटी निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको पीछे बना लें, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाउ मच ऑक्सैलिक एसिड विल यू वे टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ n/25 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। हमें 250 ml 1/50 n ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे इसके लिए कितना ग्राम इस ऑक्सैलिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑक्सैलिक एसिड का। दिस इज हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, और अगर क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड की बात की जाएगी तो हम लोग सिर्फ H2C2O4 लेते हैं। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मतलब, आपको कहीं भी लिखा रहे क्वेश्चन है बच्चों, इसका मतलब आपको H2C2O4 लेना है क्रिस्टलाइन के लिए। दिस इज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, ये क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मतलब होता है ये हाइड्रेटेड नहीं है, इसको हम लोग एनहाइड्रस भी बोल सकते हैं, यानी कि ये एनहाइड्रस फॉर्म में है। एनहाइड्रस मतलब उसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं है, वाटर इसके द्वारा एडजॉर्ब नहीं है। और अगर मैं इसी में इस फॉर्मूला को ले लूँ H2C2O4.2H2O, तो ये एक तरह का क्या हो गया, ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपको निकालना है वो किसके लिए निकालना है, इस हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के लिए। इसलिए फॉर्मूला भी दे दिया है बच्चों, अगर फॉर्मूला नहीं देता तो हम लोग डायरेक्टली इसी के लिए निकालते। ठीक है, जब तक हाइड्रेटेड ना कहे तब तो हम लोग वाटर लेते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड लिखने के बाद ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इस वाटर को भी आपको इंक्लूड करना है मॉलिकुलर वेट में। ठीक है बच्चों, तो आपको वॉल्यूम कितनी बनानी है, 250 ml, 250 ml आपको वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, उसके बाद कितना कंसंट्रेशन आपको चाहिए, कंसंट्रेशन कितना चाहिए आपको, तो कंसंट्रेशन आपको चाहिए 1/25 n, n अपॉन 25 को हम लोग 1/25 n समझते हैं, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या कहें, हम लोग को नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और मुझे निकालना है वेट, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो वेट बाय ई, आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हो, है ना, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो वो भी कह सकते हो। चलें हम लोग वैल्यू रखते हैं, नॉर्मेलिटी आपका 1/25 है, वेट तो आपको निकालनी है, 1000 गिवन है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मैंने बताया था जब भी आप किसी हाइड्रेटेड एसिड या फिर सॉल्ट का आप जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर H2C2O4 का आपको ऑक्सैलिक एसिड निकालना हो तो क्या करते थे, सिर्फ इसका मॉलिकुलर वेट जो कितना आता है, 90 आता है, जो मुझे याद है, आप निकाल भी सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई करके आप निकाल लें, ऐड कर लें, तो 90/2, तो दिस इज इक्वल टू 45। लेकिन अगर इसी की जगह पे इक्विवेलेंट वेट निकालने दे दिया जाए बच्चों H2C2O4.2H2O का, तो मॉलिकुलर वेट में तो सारे का मॉलिकुलर वेट लेंगे, है ना, तो मॉलिकुलर वेट में सारा, यानी कि 90 तो इसका ही होगा, और वाटर का 18 होता है, तो 18 × 2 = 36, तो टोटल मिलकर हो जाएंगे 126 बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर मैंने कहा था कि वाटर के हाइड्रोजन के कैटाइन को नॉल्व नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एसिड या फिर सॉल्ट होगा उसके ही केटाइन्स के चार्ज को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके टोटल केटाइन कितने हो गए, टोटल चार्ज ऑन केटाइन कितने हो गए, टू, एक हाइड्रोजन पे एक चार्ज, तो दो हाइड्रोजन पे दो चार्ज, तो 2 कर देंगे, तो इस तरह से जो इक्विवेलेंट वेट आएगा बच्चों वो जाएगा 63। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आप 45 ना लें यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि 45 वेट लेंगे तो अब वो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का हो जाएगा, आपको
हाइड्रेटेड का निकालना है तो आपको इस टोटल के मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट वेट कितना निकल गया, 63 लिख दूँ यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इज गिवन 250, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेट यहाँ पे तो आप डायरेक्ट 4 टाइम्स डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 100,000 आ जाएगा, तो वेट आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 63/25 × 4, 25 × 4, ठीक है। तो ये हो गया 100 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 0.63 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी क्या, इक्विवेलेंट वेट निकालने वाली बात, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 60 ml 5NHNO3 टू मेक इट नॉर्मल सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं जिसका जो नॉर्मेलिटी है आपको दिया हुआ है 5N, और उसका वॉल्यूम दिया है आपको 60 ml, और उसको कन्वर्ट करना नॉर्मल सॉल्यूशन में। तो नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1 होती है, ठीक है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर को बाहर से ऐड कर रहे हैं। तो जब भी आप वाटर को किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो इसे हम लोग कह देते हैं डाइल्यूशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे समझते हैं डाइल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन जरा देख लें, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में बस एक बात याद रखना है कि जितना अमाउंट सोल्यूट का पहले होता है उतना ही सोल्यूट का बाद में होगा डाइल्यूशन के, क्योंकि डाइल्यूशन में आप बाहर से सॉल्वेंट ऐड करते हो तो सोल्यूट की अमाउंट तो जितनी रहती है उतनी ही रह जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि फॉर डाइल्यूशन, व्हाट इज डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। और जनरली हम लोग वाटर ही लेते हैं जो सॉल्वेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि डाइल्यूशन जब आप करते हैं तो बाहर से आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, इसलिए सॉल्यूट की मात्रा डाइल्यूशन से पहले यानी कि वाटर को ऐड करने से पहले और वाटर को ऐड करने के बाद दोनों समान ही होनी है। तो हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले और डाइल्यूशन के बाद क्या नहीं बदलता है बच्चों, सॉल्यूट का अमाउंट नहीं बदलता है। यानी कि अगर इसको आप सॉल्यूट के अमाउंट को अगर मोल में लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल, तो हम लोगों को पता है किसी भी सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो वह मोलारिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन अ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन इन लीटर बराबर मोलारिटी आफ्टर डाइल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, और ये लीटर में होगा तभी तो नंबर ऑफ मोल कंपेयर होगा। तो ये हो गया M1V1 बराबर M2V2, और V2 बराबर क्या होगा, तो V2 जो होगा वेयर वेयर V2 इज इक्वल टू V1, जो शुरू में वॉल्यूम था वो, अब प्लस आप जितना सॉल्वेंट उसमें आपने ऐड किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर माने तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये होता है, इसको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर द डाइल्यूशन इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो आपने यूज किया है, जो आपने ऐड किया था, ठीक है। अब उसी तरह को आप इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में भी कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ
क्योंकि हम लोगों को पता है अमाउंट को हम लोग दो टर्म में डिफाइन करते हैं, एक मोल के टर्म में और एक ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में। इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ लिख देंगे एन वन इंटू वी वन लीटर। वी वन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। एन वन क्या है, नॉर्मैलिटी बिफोर डाइल्यूशन, बराबर एन टू इंटू वी टू इन लीटर आफ्टर डाइल्यूशन का नॉर्मैलिटी और आफ्टर डाइल्यूशन का वॉल्यूम। और यहां भी वी टू का जो वैल्यू होगा वो वी वन प्लस वी ऑफ एच टू ओ के बराबर होगा, है ना। तो यहां जो वी टू होगा, वेयर वी टू सेम एज वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस वी ऑफ एच टू ओ। अब थोड़ा यहां पे समझने वाली बात है बच्चों, केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब भी किसी दो सॉल्वेंट को या दो किसी सब्सटेंस को हम लोग घुलाते हैं, जैसे मान लेते दो लिक्विड को मिला दिया गया, तो जनरली हम लोग वॉल्यूम को जोड़ देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम जुड़ ही जाए। ऐसा हो सकता है कि 100 ml का एक सॉल्यूशन है और दूसरा मान लेते हैं 50 ml का सॉल्यूशन है, तो दोनों को मिला दें तो हो सकता है कि वो 150 ml हो जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि 150 से कम भी हो जाए, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 150 ml से ज़्यादा भी हो जाए। तो केमिस्ट्री में सारी संभावनाएं होती हैं। तो जब तक क्वेश्चन में ना कहे तब तक तुमको ये मानना है कि जोड़ने के बाद जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी। यानी कि इसको हम लोग कह देते हैं वॉल्यूम एडिटिव नेचर का है। यानी कि एडिटिव का मतलब होता है कि जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उन सब के वॉल्यूम आपको आप जोड़ करके फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम एडिटिव नेचर का नहीं होगा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि फाइनल वॉल्यूम क्या हो चुका है, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइनली क्या होगा अगर एडिटिव है तब तो नहीं दिया रहेगा, तब तो आप आराम से ऐड करके निकाल सकते हैं सारे का। लेकिन अगर एडिटिव नेचर का नहीं है, मतलब आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो या तो कम आ जाएगी या तो ज़्यादा आ जाएगी, तो क्वेश्चन कह देगा देखो भाई एडिटिव नहीं है तो जो वॉल्यूम मैं फाइनल कह रहा हूँ आपको उसी वॉल्यूम को लेना है, ना कि आप एडिटिव यहाँ भी कर दीजिए, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो ये आपका तब चलेगा जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये कह दिया कि जैसे ही वाटर मिलाया गया तो वॉल्यूम जो है वो इतना हो गया, तो वॉल्यूम इतना हो गया तो जितना हो गया उतना ही आपको वॉल्यूम वी टू की जगह पे लेना है, इस बात का याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट था। डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन हमेशा उसका अमाउंट सेम होता है। आप चाहे वहां पे मोल का कॉन्सेप्ट लगा लें तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये कॉन्सेप्ट यहां लगा लिया है। और अगर या तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लें तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन देखें, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन मतलब बिफोर डाइल्यूशन, इनिशियल कंडीशन मतलब बिफोर डाइल्यूशन क्या सीन था वो देखना है। तो बिफोर डाइल्यूशन हम लोगों को पता था कि नॉर्मैलिटी जो है वो 5 n है, लिखा हुआ है, और वॉल्यूम जो है बच्चों v1 जो है वो 60 ml है, ठीक है। जबकि आफ्टर डाइल्यूशन यानी कि फाइनल कंडीशन जो है, फाइनल कंडीशन दैट इज आफ्टर डाइल्यूशन आपको तो नॉर्मैलिटी दी गई है, n2 का मान दिया हुआ है, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मैलिटी 1 n हो, 1 n को हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन लिखते हैं। या फिर अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ n कंसंट्रेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझना है कि 1 n ही दिया हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम v2 क्या हो जाएगा, तो v2 जो होगा, चूंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो हम लोग को वॉल्यूम एडिटिव लेना है। यानी कि 60 ml जो ये होगा वो तो होगा ही, और इसमें साथ साथ हम जितना वाटर को ऐड कर रहे हैं उस वाटर को ले लेना है, इतना ही ml होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करके इस दोनों के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे क्या कि एन वन वी वन बराबर क्या होना चाहिए,
एन टू वी टू, तो तुम यहाँ पे इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इससे कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ भी लीटर में बदलोगे तो यहाँ भी लीटर में बदलोगे और दोनों यहाँ पे मल्टी एक दूसरे से डिवाइड होकर कट ही जानी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मिली लीटर लेके भी गेम को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मैलिटी डायरेक्ट लेते हैं 5 और वॉल्यूम डायरेक्ट 60 ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप 60 इंटू 10^-3 करते हैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये भी 10^-3 करना पड़ेगा, तो बाद में कट ही जानी है। तो 5 × 60 कर देते हैं, बराबर हो जाएगा 1 × 60 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O। एंड इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो दिस इज 300 इज इक्वल टू 60 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2O, तो यहाँ से निकल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू, तो 300 - 60 दिस इज 240 मिलीलीटर। ठीक है, एक बात और, अगर आप वॉल्यूम मिलीलीटर में लेते हैं तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं होता है, ये नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, ये बस तुम लोगों को बता दिया समझाने के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने इन टर्म्स ऑफ मोल लिखा तो यहाँ लीटर लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग मिली लीटर ले लेंगे तो ये निकल जाएगा मिली मोल। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग इस तरह से समझें, इन टर्म्स ऑफ मिली मोल भी लिख सकते थे, मिली मोल, तो इन टर्म्स ऑफ मिली मोल में क्या सीन हो जाएगा, तो अब कुछ नहीं करना है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिली लीटर लेना है, बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिली लीटर लेना है। तो टर्म्स ऑफ मोल में लिखोगे तो वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ता है, मिली मोल में लिखोगे तो मिली लीटर में लेना होगा। इन द सेम वे इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट में हम ले सकते हैं इसको, इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं हम लोग इसका। तो मिली इक्विवेलेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मैलिटी इंटू एन वन इंटू वॉल्यूम वन इन मिली लीटर बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिली लीटर। तो ये आप भी ये भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने कहा आप यहाँ डायरेक्ट क्या कर लें, इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है इस लीटर में, विदाउट टाइम टेकिंग हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो चूंकि मैंने यहाँ पे मिली लीटर में यहाँ पे लिया था वॉल्यूम को, इसलिए जो वॉल्यूम यहाँ आएगा वाटर का वो मिली लीटर में ही आएगा, अगर मैं लीटर में कंसिडर करता तो लीटर में आता है ना। तो ये अपना हो गया क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसको अगर मैं ऐड कर दूं इस सॉल्यूशन में तो उसका जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो 1N हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर किया होगा, डायल्यूशन क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो कॉन्सेप्ट ऑफ डायल्यूशन पे था, कि डायल्यूशन के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है ए सैंपल ऑफ H2SO4 इज 50% बाय मास, यानी कि कंसंट्रेशन आपको दे दिया किसी सैंपल का जिसमें H2SO4 घुला हुआ है, कितना है 50% बाय मास है, और उसकी डेंसिटी दी गई है 1.1 ग्राम पर सीसी। तो कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये एक तरह का कैसा क्वेश्चन है जिसमें कोई एक कंसंट्रेशन यूनिट दे दिया गया है जो परसेंटेज मास के टर्म में है, और उसको आपको मोलैरिटी नॉर्मैलिटी और मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है। ये जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था आप लोगों को, किसी एक कंसंट्रेशन के यूनिट को किसी दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको किसी एक कंसंट्रेशन यूनिट को किसी दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करने में दिक्कत है या फिर नहीं समझ में आता है किस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा हुआ है तो आई थिंक ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी आसान होगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन अपने को दिया हुआ कितना है, तो कंसंट्रेशन दिया गया है बच्चों 50% बाय मास H2SO4 का दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी, मैंने क्या कहा था कि किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट को जब दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करते हैं किसी में भी, तो सबसे पहले उस कंसंट्रेशन यूनिट का क्या मायने हैं वो समझते हैं, इसके मतलब क्या हैं, इसके क्या मतलब होते हैं, इसके क्या मतलब हैं। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 50% बाय मास H2SO4, इसका मतलब होता है कि अगर अपना सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया जाएगा तो उसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट अपना कौन है H2SO4, उसकी मात्रा 15 ग्राम पाई जाएगी, यानी कि 100 ग्राम अगर हम लोग ले लें सॉल्यूशन तो उसमें 15 ग्राम क्या पाया जाएगा,
H2SO4 पाया जाएगा। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, नॉर्मैलिटी निकाल सकते हैं या मोलैरिटी निकाल सकते हैं या मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मोलैलिटी से, मोलैरिटी से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि पहला मोलैरिटी ही है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, तो मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मोल मुझे चाहिए था, तो एक काम करता हूँ सोल्यूट का चूंकि मुझे मोल चाहिए तो मैं सोल्यूट का मोल निकाल देता हूँ यहीं पे, तो 15/98 यहाँ पे इतना मोल हो जाएगा H2SO4। और जो वॉल्यूम चाहिए मुझे मोलैरिटी निकालने के लिए सोल्यूशन का, वो लीटर में चाहिए या फिर मिलीलीटर में चाहिए, यानी कि हमको इसका वॉल्यूम चाहिए जबकि यह मास दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल ही लेते हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्यूशन का मास बटे सॉल्यूशन का डेंसिटी जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.1, इतना हो गया आपका मिलीलीटर। तो अपने को सॉल्यूशन अब ग्राम में भी पता है और मिलीलीटर में भी पता है, और सॉल्यूट आपको ग्राम में भी पता है और मोल में पता है, जब जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय क्या कह सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट मोल ऑफ सॉल्यूट देखो कितना है आपको, तो 15/98 1000 तो इसका हक है जो यहाँ पे आ रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चों, तो आपको 100/1.1, तो 100 × 1.1। तो इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ ही जाएगा, ठीक है आप करके देख लें, ये 1.68 आ ही जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका मोलैरिटी। तो किया क्या मैंने, जो कंसंट्रेशन यूनिट दिया गया हो उसके क्या मायने हैं वो लिखें, और दूसरे यूनिट में सोल्यूट को किस रूप में चाहिए। तो सोल्यूट का यहाँ ग्राम था, मुझे मोल के रूप में चाहिए था, तो मैंने मोल निकाल लिया। सोल्यूशन का मुझे यहाँ वॉल्यूम चाहिए था और सोल्यूशन का यहाँ पे ग्राम दिया था, तो मैंने सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लिया। सो सिंपल। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है गिवेन इन्फॉर्मेशन को उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं और सीधे वैल्यू को रख के काम कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात नॉर्मैलिटी की। तो अगर आपको मोलैरिटी पता है तो नॉर्मैलिटी तो बहुत ही आसान है, क्योंकि नॉर्मैलिटी बराबर हम जानते हैं बच्चों होता है एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चूंकि H2SO4 में टोटल चार्ज ओवर कैटायन जो वो कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज और दो हाइड्रोजन पे दो पॉजिटिव चार्ज, तो 2 और मोलैरिटी 1.68 m, सॉरी m नहीं लेना है यहाँ पे, n लेना है। तो ये आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट करके आ जानी है आपको 3.36 n आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को n फैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग एक ग्राम इक्विवेलेंट का मैंने प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है, आप ग्राम इक्विवेलेंट देख लीजिए जाकर ये कैसे कैलकुलेट होता है, वहाँ पे n फैक्टर एलिमेंट के लिए, कंपाउंड के लिए, रेडिकल्स के लिए कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें मैंने वहाँ पे डिस्कस डिटेल में की हैं। तो जिसको n फैक्टर निकालने में दिक्कत है आप जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं अपने ही इसी वीडियो के एंड पेज पे मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा ग्राम इक्विवेलेंट का, आप वहां से भी जाके समझ सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट। तो अब आ जाती है मोलैलिटी की बातें, मोलैलिटी निकालना है बच्चों। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मोलैलिटी क्या होता है, तो हम लोग को चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे चाहिए किसमें, ग्राम में, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बच्चों। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, 15/98, और यहाँ पे 1000 जो इसका हक है क्वेश्चन का फॉर्मूला का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब सॉल्यूशन के वेट में आपको सॉल्यूट का वेट हटाना पड़ेगा। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है आपके पास बच्चों, अब 15 ग्राम सॉल्यूट है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 85 ग्राम। 100 ग्राम में 15 ग्राम हटा दीजिए तो 85 ग्राम, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 1.8 m जो कि अपना आंसर है वो तो आ ही जाएगा। तो ये रहे जो क्वेश्चन जो मैंने दिया था, ये था कंसंट्रेशन कन्वर्जन के क्वेश्चन थे, एक कंसंट्रेशन यूनिट को हम लोग दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ एच2SO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 1.15, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये भी क्वेश्चन भी आपको कन्वर्जेंस के पे ही है, एक कंसंट्रेशन यूनिट दिया हुआ है आपको मोल फ्रैक्शन, आपको मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको अब हैंडल करते हैं पांचवें क्वेश्चन को। अब आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कैसे काम करना है। तो अपने को कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.15 मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकलता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका बच्चों, H2SO4 का दिया हुआ है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 दिया हुआ है। तो इससे क्या आप इसका क्या मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि अगर अपना सॉल्यूशन जो है एक मोल माना जाए, सॉल्यूशन को कितना माना जाए बच्चों, एक मोल, तो उसमें जो सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट अपना यहाँ पे कौन है, H2SO4 है, H2SO4, तो इसमें क्या हो जाएंगे 0.15 मोल इसमें सॉल्यूट हो जाएंगे बच्चों। अब सॉल्यूट अगर इसमें 0.15 होंगे और टोटल मिलके 1 मोल है, तो ये अंडरस्टूड है तो इसमें सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों, तो सॉल्वेंट इसमें हो जाएगा 1-0.15 यानी कि हो जाएगा 0.85 मोल। अब डायरेक्ट 1-0.15 करके मैंने 0.85 मोल मैंने निकाल लिया। तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। और इसी मोल फ्रैक्शन की मदद से मैंने क्या किया, सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल मैंने क्या कर दिया बच्चों, निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी लिखा जाए, तो मोलैलिटी में फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं मैंने लिखा था मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल मुझे चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे चाहिए, सॉल्वेंट का मुझे वेट चाहिए, जो कि ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना क्वेश्चन का डिमांड है। तो एन सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.15 × 1000 डिवाइडेड बाय, और ये तो अपने को मोल में दिया है सॉल्वेंट, जबकि हमको इसको निकालना है ग्राम में। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि क्वेश्चन में सॉल्वेंट के बारे में क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन एक्वस सॉल्यूशन है या कैसा सॉल्यूशन है, तो अगर सॉल्यूशन के में सॉल्वेंट के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपको वाटर ही एजम करना है। तो हम लोग एजम कर लेते हैं, क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि वाटर ही अपना सॉल्वेंट यहाँ पे होगा। तो चूंकि वाटर का मोल अगर 0.85 है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 0.85 × 18 इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो जो भी आएगा यहाँ पे 0.85 × 18, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक जो आपका आंसर है वो 9.8 m आ ही जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रहा पांचवा क्वेश्चन का सवाल का जवाब, जिसमें मैंने मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट किया, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जनरली लोग मोल फ्रैक्शन से किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्जन में फंस जाते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर इसको आप बोलेंगे नहीं सर हमको इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करना हो कैसे कर सकते हैं, तो मोलैलिटी में वही मोल चाहिए और सॉल्यूशन का मुझे क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम चाहिए होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी चाहिए होगी। तो डेंसिटी अगर मिल जाएगा, दोनों के मास को ऐड करके डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर मैं वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर मोलैरिटी पूछा जाएगा तो। और ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी लास्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से यूनिट कन्वर्जन होता है किसी एक कंसंट्रेशन यूनिट से किसी दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में हम लोग कैसे आराम से चले जाते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने मास्टर टेक्निक सिखाया था यूनिट कन्वर्जन का, ठीक है बच्चों। ये रहा अपना पांचवा क्वेश्चन जो कि मोल फ्रैक्शन पे था, और अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ जाता है छठा क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 20। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट अपना वाटर ही है, ठीक है बच्चों। और 20% लिखा हुआ है इसका वॉल्यूम परसेंट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कंसेंट्रेशन कितना दिया गया है, कंसेंट्रेशन इज 20% V/V, ठीक है बच्चों। और इसकी डेंसिटी दी गई है 0.96 ग्राम्स पर सीसी, इसकी डेंसिटी दी गई है बच्चों 0.96 ग्राम पर सीसी दी गई है इसकी डेंसिटी, है ना। तो इफ डेंसिटी दी गई इतनी, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना दिया गया है, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया गया है, ये दिया गया आपको 1 ग्राम पर ml, ये दे दिया है, नहीं भी देता तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहता है आपको मोलारिटी भी निकालना, और मोलारिटी भी सेम वैसा ही हो गया कि आपको क्या करना है, कोई एक कंसंट्रेशन यूनिट दिया है और दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसके क्या मायने हैं उस मायने को लिखा जाए, मीन्स। तो इसके मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर अपना सॉल्यूशन 100 ml होगा तो सॉल्यूट सॉल्यूट जो है वो 20 ml हो जाएगा। जिन बच्चों को ये मायने लिखने में दिक्कत हो रही है, वो मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया हुआ है, मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मैलिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज W/W, इन सब की वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उस लेक्चर को समझ सकते हैं। तो मैं ये मीन्स मैंने जो वहाँ पढ़ाया हुआ है वहाँ से आप समझ लीजिए, फिर यहाँ पर आपको सहूलियत भी हो जाएगी अगर आप जानते हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो इसके मायने तो यही हो गए, सॉल्यूशन अपना 100 ml है तो सॉल्यूट अपना 20 ml होगा, ठीक है। अब क्या चाहिए, हम मुझे क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी का क्या डिमांड होता है बच्चों, तो मोलारिटी का डिमांड होता है कि अपने को सॉल्यूट मोल में चाहिए, लेकिन सॉल्यूट यहाँ मिलीलीटर में है, तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूट को ग्राम में बदलने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे तो सॉल्यूट का ग्राम चाहिए, तो सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है कितना, सॉल्यूट आपका हो गया है, यहाँ पे मैंने 20% VV लिखा हुआ है, और यहाँ पे 100 ml आपका सॉल्यूशन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो 100 × 96.96 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपको 96 ग्राम आपको निकल गए हैं। सॉल्यूशन का क्या निकल गया आपको बच्चों, सॉल्यूशन का मास आपको 96 ग्राम निकल चुका है। अब आपको निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूट आपको दिया गया था कितना, 20 ml, और इस 20 ml में कितना ग्राम आपको होगा सॉल्यूट, उसको निकालने के लिए तो ये निकालना पड़ेगा कि आखिर सॉल्वेंट कितना था। तो सॉल्वेंट भी निकालना पड़ जाएगा बच्चों, बिना सॉल्वेंट निकाले काम नहीं होगा, क्योंकि 20 ml अगर सॉल्यूट है इसका मतलब 80 ml सॉल्वेंट रहा होगा, और 80 ml सॉल्वेंट मतलब 80 ml पानी, और 80 ml पानी का मतलब 80 ग्राम पानी, क्योंकि डेंसिटी इसकी 1 है बच्चों, तो ये 80 ग्राम रहा होगा। तो सॉल्वेंट अगर 80 ग्राम रहा होगा, सॉल्यूशन अगर 96 ग्राम रहा होगा, तो सॉल्यूट कितना रहा होगा, तो 96 - 80 करके हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, और यहाँ से जो वैल्यू हो गई वो हो गई 16 ग्राम, ठीक है, ये आ गया 16 ग्राम। तो ये सॉल्यूट का वेट आपको निकल चुका है, मुझे तो मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूट का मोल चाहिए, तो क्या कर दूँ, 16/98, H2SO4 है तो 98 इतना मोल हो जाएगा, सॉरी सॉरी इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल का कितना हो जाता है, तो इथेनॉल का हो जाता है बच्चों 46। इथेनॉल आप निकाल भी सकते हैं, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसका आप मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो आपको 46 ही आएगा, तो आप 46 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 16/46। अब मोलारिटी डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 16/46, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, जो कि फॉर्मूला का डिमांड है, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 100 ml, तो यहाँ पे 100 लिख दिया जाए बच्चों, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको 3.48 m आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। अब अगला उसमें टॉपिक, उसमें क्या निकालना था मुझे, मोलारिटी निकाल लिया, मुझे मोलारिटी निकालना था। तो अब मोलारिटी निकालने के बाद मैं मोलारिटी देख लेता हूँ, मोलारिटी कैसे निकलेगा। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या करें, मुझे फिर से मुझे सॉल्यूट का मुझे मोल ही चाहिए, तो 16/46 मल्टीप्लाइड बाय 1000, जो क्वेश्चन का हक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 80 है, यहाँ पे 80 आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग इक्वलाइज करें तो इसका मान आ जाएगा बच्चों कितना, सॉल्व करने के बाद 4.35 m, ये आपको आ जाएगा, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, जहाँ पे आपको सॉल्यूट का वेट निकालने के लिए पहले सॉल्वेंट का वेट आपको निकालना पड़ गया, एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है। अब देखें 7वां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, सातवां क्वेश्चन कहता है कि 20 ml n/5 HCl है, और 40 ml n/5 H2SO4 है,
और 80 ml N/10 HNO3 है और सबको मिक्स किया जा रहा है एक साथ। तो कहता है व्हाट इज़ द नॉर्मैलिटी ऑफ रिजल्टिंग एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप जब भी किसी दो एसिड या दो से ज़्यादा एसिड को आप मिलाते हैं तो कैसे सोचना पड़ता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर था सिखा दो तुम लोगों को। पीछे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन सिखाया, अब कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर सिखा दूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में तीन सीन हो सकता है, तीन केसेस बन सकते हैं। एक ऐसा कि सिर्फ एसिड के मिक्सचर हों, दूसरा ऐसा सिर्फ बेस के मिक्सचर हों, और तीसरा ऐसा कि एसिड और बेस दोनों के मिक्सचर आपको मिलें। तो अगर सिर्फ एसिड का मिक्सचर है, केस वन ले रहा हूँ, ओनली एसिड्स का मिक्सचर है, तो कुछ नहीं करना है। सारे एसिड का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा और मिक्सचर का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो हमेशा बराबर होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स, तो यह लिख देते हैं सम ऑफ यानी कि एडिशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एसिड्स हैं तो सारे एसिड्स का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा वो मिक्सचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, अगर मान लेते किसी पहले एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, N1V1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर प्लस नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम V2। अब जितने भी एसिड्स हैं सबको यहाँ पे जोड़ दो और ये बराबर हो जाएगा उसके मिक्सचर के NmVm, ये बराबर हो जाएंगे। और यहाँ याद रखेंगे अगर वॉल्यूम एडिटिव है तो Vm का मान जो होगा वो V1 प्लस V2 प्लस जितने भी एसिड्स हैं सबका एसिड का वॉल्यूम आपको जोड़ के रख देना है। इसी तरह से आपको बेस के लिए भी काम करना है। ठीक है बच्चों, केस टू आपको क्या किया जाएगा, ओनली बेसेस हो सकता है। तो ओनली बेसेस हो तो भी आपको यही काम करना है, जिस तरह सारे बेस का ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ दें और मिक्सर के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दें, यानी कि हर एक बेस का नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दें और मिक्सर के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के बराबर कर दें। वहाँ भी वॉल्यूम जो मिक्सर का होगा वो एडिटिव अगर होगा तो सबके बराबर होगा, एडिटिव होगा ही ज़्यादातर केसेस में। अगर किसी केस में एडिटिव नहीं लिखता है तो वहाँ पे फाइनल वॉल्यूम आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केस थ्री आ जाता है बच्चों कि जब एसिड्स और बेस दोनों हों तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेस दोनों का मिक्सचर अगर आपको हो तो आपको कैसे हैंडल करना है। तो आप उसी तरह से पहले क्या करेंगे, सारे एसिड्स का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अलग से जोड़ लें और सारे बेसिस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अलग से जोड़ लें, फिर दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा दें, जो वैल्यू आएगा वही मिक्सचर का ग्राम इक्विवेलेंट होगा। यानी कि इसमें क्या हो सकता है, पहला सीन ये हो सकता है कि जैसे आप N1V1 प्लस N2V2 सॉरी प्लस .. ये एसिड का निकाल लें और ये माइनस कर दें किसमें, N1V1 प्लस N2V2 और या फिर जितने भी हैं उन सब का ये बेसिस, और ये बराबर हो जाएंगे मिक्सचर के नॉर्मालिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट, यानी कि मिक्सचर का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के। ये माइनस तब किया गया है जब इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कम होगा और इसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि ऑब्वियस है कि बनने वाला जो मिक्सचर होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि यह एसिड ज़्यादा है और बेस कम है, तो बेस को यह एसिड न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर देगा। तो बनने वाला जो मिक्सचर का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा यह एसिडिक होगा। तुमसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको एसिड्स और बेस दोनों मिला दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि जो सॉल्यूशन बना है, फाइनल सॉल्यूशन जो बना है, मिक्सचर बना है, वो एसिडिक है या बेस। तो आप यहाँ से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, जिसका एसिड्स का अगर टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बेस के टोटल ग्राम इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर सी नंबर टू
ये उल्टा भी हो सकता है, एन वन भी वन प्लस एन टू भी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी बेसेस हैं सबको जोड़ दो और माइनस कर दो किससे, एन वन भी वन प्लस एन टू भी टू प्लस डॉट 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 किसके, एसिड्स के। तो यहाँ पे हो जाएगा एन एम और वी एम, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे डेफिनेटली ये जो अपना मिक्सचर होगा वो बेसिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा बच्चों, बेसिक। क्यों बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और एसिड्स का अमाउंट कम है, इसलिए ये बेसिज इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और कुछ बेस बच जाएंगे। तो बेस बचने के कारण यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा, फाइनल मिक्सचर आपका बेसिक हो जाएगा। तो ये थे कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कौन सा केस चल रहा है, तो यहाँ पे देखो एसिड 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 और यहाँ पे सिर्फ एसिड 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 है। इसका मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ सोचना है कौन केस वन, यानी कि मिक्सचर ऑफ एसिड्स पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखते हैं आपको सातवां नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखें, तो आपको कौन कौन सा एसिड है, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो मुझे क्या करना है, N1V1 किसका, HCl का, प्लस N2V2 किसका, H2SO4 का, प्लस N3V3 किसका, HNO3 का, और ये बराबर हो जाएगा NmVm मिक्सचर का। और हमको पता है नॉर्मिटी कितना है, 1/5, वॉल्यूम कितना है 20। आप इसको लीटर में भी ले सकते थे, मैंने मिलीलीटर में लिया है, तो इसका वॉल्यूम भी आपको मिलीलीटर में लेना होगा। प्लस N2 हो जाएगा 1/5 इंटू 40, N3 है बच्चों 1/10 इंटू 80 बराबर NM। तो आपको निकालना ही है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, आपको नॉर्मिटी निकालना है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है, इसका मतलब सारे को आप जोड़ दें। तो 20 प्लस 40 प्लस 80, इस टोटल को अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 140। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, NM निकाल सकते हैं। तो पहले इसको काट लें, 5 4 20, 5 8 40, 10 8 80, तो 8 8 16 4 20, ये 20 हो गया बच्चों, बराबर NM इंटू 140। इसलिए यहाँ पर नॉर्मैलिटी जो निकल गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 20/140 है ना, तो 20/140 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना है, 0.143, ये आई जानी है नो डाउट। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.143 एन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये रहा किसके ऊपर क्वेश्चन, जब सिर्फ एसिड्स थे। अगला क्वेश्चन देख लें, एट नंबर क्वेश्चन देखें। एट नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहाँ पे 50 ml 12N H2SO4, 30 ml 10N HCl, 10 ml ऑफ 2N HNO3 और 100 ml 3N NOH। देखो यहाँ पे एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है और ये बेस है, सबको मिक्स कर दिया गया एंड वॉल्यूम इज मेड बाय 1000 ml। और ये बोल रहा गया है कि 15 ml 30 ml 10 ml और 100 ml को जब मिलाया गया, और तो इसको मिलाने के बाद इसको 1000 ml बना दिया गया। कैसे, उसमें बाहर से डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया गया है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, प्योर वाटर है। बाहर से 1000 ml, बाहर से वाटर डाल के उसको 1000 ml बना दिया गया है। आपको बताना है कि नॉर्मैलिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम को एडिटिव तो रखना ही है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनल वॉल्यूम आपको क्या लेना है, 1000 ml लेना है। तो सीधे सारे एसिड का पहले एक साथ कर दें, सारे एसिड को पहले एक साथ। तो एसिड का N1V1 किसका, एसिड का, तो 15 × 12 डायरेक्ट लेता हूँ, 15 × 12 किसका, एसिड का, फिर जोड़ दें 30 × 10 प्लस 10 × 2 और ये तो बेस है इसलिए इसको जोड़ के हटा दें। और अब यहाँ पे निकालना क्या है, NaOH का, NaOH कितना होगा, 100 × 3। अब यहाँ माइनस लगेगा या कि यहाँ माइनस लगेगा, मतलब कि एसिड को बेस में घटाना है कि बेस को एसिड में घटाना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों में से मान किसका ज़्यादा आ रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये मैंने एसिड्स के लिए बनाया है,
और ये हमने बेस के लिए बनाया है, तो एसिड का सॉल्व करो कितना आ जाएगा, इसको 12 पंजे 60, यहाँ पे हो गया 60, और 120 हो जाएगा 180, 180, ये हो जाएगा 300, अब प्लस 10 to 20, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट एसिड्स के आ रहे हैं 300, 400 और 500, 500 ग्राम इक्विवेलेंट, जबकि बेसिस का देखा जाए तो ये 300 ही आ रहा है। तो यहाँ से एक तो पता चल गया कि नंबर ऑफ जो मिली इक्विवेलेंट है इसका 500 ml है, तो मिली इक्विवेलेंट 500 mEq है, सॉरी, तो 500 mEq कैसे हुआ, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो यहाँ वॉल्यूम ले रहा हूँ वो किस में ले रहा हूँ, मिली लीटर में, अगर यहाँ मैं लीटर में लेता तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट बोल देता। तो चलो आगे देखते हैं, ये 500 ml है, ये 500 mEq है, ये 300 mEq है, ज़्यादा कौन, ये ज़्यादा है ये कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ NmVm बराबर क्या करना पड़ेगा, 500 घटाओ 300। अब मुझे Nm निकालना है और Vm दिया हुआ है 1000 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 200, और यहाँ से नॉर्मैलिटी ऑफ द मिक्सचर निकल जाएगा बच्चों, 200 by 1000, दिस इज इक्वल टू 0.2, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, चेक कर लें, आपका आंसर आ चुका है 0.2, ठीक है बच्चों, 0.2 आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पे क्या सीखा कि अगर जब आपको एसिड्स और बेसिस दोनों के मिक्सचर्स दे दिए गए हों तो आपको क्या करना है बच्चों, सारे एसिड्स का N into V अलग से निकालने, और सारे बेसिस का, यहाँ तो एक ही दिया हुआ था, अगर ज़्यादा दिया गया था दिया होता तो सबका N into V भी एक जगह निकाल लें, और फिर दोनों को सबको जोड़ लें, इसको सबको जोड़ लें, जो ज़्यादा हो ज़्यादा में कम को घटा दें। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि बताएं जो मिक्सचर है वो एसिडिक है या बेस है, तो मैं यहाँ कह सकता था, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट जो है वो एसिड्स का ज़्यादा है बेस से, इसलिए बनने वाले मिक्सचर जो होंगे ये एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि कुछ एसिड जो होगा वो क्या होगा, बच जाएगा, बेस तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन देख लें, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है 99 ग्राम ऑफ कॉन्क H2SO4 जिसकी डेंसिटी 1.98 ग्राम्स पर cc वेयर एडेड टू 900 ml वाटर, वॉट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर एंड H2SO4 इन द सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे बाहर से वाटर डाला जा रहा है इसमें, इसका मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, डायल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डायल्यूट H2SO4 बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले कॉन्क H2SO4 दिया हुआ कितना है, तो कॉन्क H2SO4 जो अपने को दिया गया है वो 99 ग्राम दिया गया है, और वाटर इसमें कितना ऐड किया जा रहा है वो भी लिख लें, तो वाटर जो इसमें ऐड किया जा रहा है वो 900 ml ऐड किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और इसकी डेंसिटी दी गई है 1.98 ग्राम पर cc दी गई है, तो हम एक काम करते हैं इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे वॉल्यूम परसेंट चाहिए, तो वॉल्यूम परसेंट अगर मुझे चाहिए दोनों का, वाटर का भी चाहिए और H2SO4 का भी चाहिए, तो मुझे दोनों का वॉल्यूम पता होना जरूरी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें, मास अपॉन डेंसिटी, तो 99 by 1.98, ये आ गया क्या आपको, तो 1.98, तो 58 जो 45 45, यानी कि ये 50 से ये 50 हो जाएगा, ये वॉल्यूम जो आपका आएगा ये 50 आ जाएगा, तो 5 टाइम्स में कट रहे हैं ये 50 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 50 ml और ये आपका 900 ml है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्या कि सॉल्यूशन जो आपका होगा, वी ऑफ सॉल्यूशन अगर एडिटिव है, तो क्वेश्चन में चूंकि कुछ क्या ही नहीं रहा है तो हमको एडिटिव ही लेना है, ज़्यादातर केसों में बच्चों आपको एडिटिव ही लेना है, तो 900 + 500 कितना हो जाएगा, 900 + 50 ml, सॉरी कितना हो जाएगा, 950 ml आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास हो गए सॉल्यूशन के वॉल्यूम, और आपको क्या निकालना था, वाटर का परसेंटेज और H2SO4 का परसेंटेज। तो पहले वाटर कितना है, तो वाटर आपको 900 ml है, तो मुझे परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ H2O या निकालना है, तो क्या करेंगे, कितना होता है, जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है वो कितना है, तो 900 ml है, कितने में है, तो 950 ml में है,
आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो परसेंटेज इसी तरह से निकाला जाता है। परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, आपके पास कितना है, कितने में है और मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 94.73 आ ही जाएगा। तो ये हो गए आपके आंसर। और उसी तरह से परसेंट वॉल्यूम ऑफ, अगर H2SO4 निकालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि H2SO4 आपके पास 50 ml है, तो 50/950 गुना 100, क्योंकि 50 है और 950 में है, तो डिवाइड कर दें इसको 950 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, फाइनली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5.26% या ही जाएगा। ठीक है बच्चों, आप डायरेक्ट यहाँ से 100 में माइनस करके ये निकाल सकते थे, क्योंकि अगर दो ही चीज़ें हैं, अब वाटर आपको पता चल चुका है कितना परसेंट है, तो ऑब्वियस है कि H2SO4 क्या होगा, आप डायरेक्ट 100 माइनस ये करके भी आंसर ला सकते थे। ये रहा बच्चों 9वां क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 30% बाय मास ऑफ H2SO4 एंड 70% बाय मास ऑफ H2SO4। ये दो तरह के सॉल्यूशन हैं आपके पास, एक है आपके पास, दोनों H2SO4 का सॉल्यूशन ही है बच्चों, एक है आपके पास 30% H2SO4 बाय मास का सॉल्यूशन है आपके पास, और जिसकी डेंसिटी आपको दी गई है 1.218 ग्राम पर सीसी। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें 70% बाय मास आपको H2SO4 है, तो 70% H2SO4 है आपको बाय मास, ये मास का परसेंटेज है, और इसकी डेंसिटी आपको दी गई है बच्चों 1.61 ग्राम पर सीसी। कहता है अब दोनों को मिला दिया जाए, लेकिन मिलाने की शर्त क्या है कि जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम आपको इसका लेना है, यानी कि अगर मान लें कि इसका वॉल्यूम जो मैंने लिया, लेट वॉल्यूम इज इक्वल टू VML, तो आपको इसका भी वॉल्यूम, सो इसका भी वॉल्यूम आपको कितना लेना है VML। अब इस दोनों VML को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका 2VML। ठीक है, अब चलो, अब VML मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसका वजन कितना होगा सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वजन आपको निकालना, सॉल्यूशन आपके पास VML है यहाँ पे, और तो इसका वेट क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपको क्या हो जाएगा, तो 1.218 भी इतना ग्राम आपके पास सॉल्यूशन हो गया, ये वाला 30% वाला, और यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों कितने, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन तो VML है आपको जो लेना है, और मल्टीप्लाई कर दें इसको डेंसिटी से, तो 1.61 भी इतना ग्राम आपको हो गया सॉल्यूशन। तो टोटल इस दोनों को मिला देना है, तो दोनों टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, इतना प्लस इतना, ये हो जाएंगे टोटल सॉल्यूशन के मास, है ना, और सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, तो सॉल्यूट मुझे तो निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो जितना ये है उसका 30% होगा, यानी कि 1.218 भी का 30% मुझे लेना होगा, इतना ग्राम सॉल्यूट इधर से आएंगे, और इधर से सॉल्यूट कितने आ जाएंगे, इधर से सॉल्यूट आ जाएंगे 1.61 भी के 70% आ जाएंगे, इतना ग्राम आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको सॉल्यूट का वेट पता चल चुका होगा, तो टोटल सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट आपको पता है, तो आप सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं, आप टोटल सॉल्यूट का वेट पता है तो सॉल्यूट का मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अब निकालना है क्या, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकाला जाए, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इसके सॉल्यूट और इसके सॉल्यूट को के मोल को निकाल लें और दोनों को जोड़ लें, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मैं कैलकुलेशन करता हूँ कैलकुलेटर पे, देखिए जरा इसका जो रिजल्ट आ रहा है आपको, जो आपको सॉल्यूट, दोनों सॉल्यूट का जो मास होगा उसको जब दोनों को जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाता है 1.4924 भी, और ये हो गया वेट, सॉल्यूट का टोटल सॉल्यूट का वेट, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट जो कि 98 है,
मल्टीप्लाइड बाय 1000, आपको ये फॉर्मूला सही आना है। नॉर्मेटिव बराबर क्या, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये भी है और ये भी वी है, तो टोटल सॉल्यूशन आपको हो जाएंगे 2v, तो ये वी वी कट जाएंगे और इसको सॉल्व करके अगर आप लाएंगे तो आई थिंक बच्चों 7.614 m आ ही जाएगा। अब आगे देख लें, अब आपको अगला क्वेश्चन आपको बनाना है मोलैलिटी का। मोलैलिटी देख लें, मोलैलिटी तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, मुझे तो मोल ऑफ सॉल्यूट ही चाहिए, तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो यही हो जाएगा 1.4924 v बाय 98, वेट बाय 98, वेट बाय मॉलिकुलर वेट आपको मोल हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये तो फॉर्मूला से ही आएगा। और मुझे यहाँ पे लिखना है मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा, आपको टोटल वेट यहाँ से निकाल लीजिए सॉल्यूशन का 1.218 v, 1.61 v, इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का टोटल मास निकल जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सॉल्यूट का वेट निकल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे जोड़ के लाया हुआ है। तो एक काम करता हूँ, इस दोनों को जोड़ के इसको घटाता हूँ, देखता हूँ सॉल्वेंट का मास कितना आता है, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 2.828 v माइनस, इस तो मैंने जोड़ा हुआ था 1.4924 v, ये हो गया सॉल्वेंट के मास, मैंने सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट के मास को क्या कर दिया है, घटा दिया है। यहाँ से भी और भी कॉमन लिया जाएगा तो ये भी घट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट भी को काट ही देता हूँ, रखने की क्या जरूरत है। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी उसको आप रख लें, इसको सॉल्व करें तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.4924 into 1000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू, सब्ट्रैक्ट कर लें इसको, तो यहाँ पे आपको आंसर आ जा रहा है 1.3356, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा 11.402 m। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंसंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आज के जो क्लासेस थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। इसमें मैंने वैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें मैंने खासकर 3-4 पैटर्न को मैंने पकड़ा था, एक तो प्योर किसी सब्सटेंस का किस तरह से निकाला जाता है कंसंट्रेशन वो समझाया, दूसरा मैंने ये समझाया किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट को किसी दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तीसरी बात मैंने ये समझाया इस क्वेश्चन से कि सिर्फ एसिड या सिर्फ बेसिस का मिक्सचर हो तो उसकी हम लोग कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, चौथा बात ये समझाया कि अगर एसिड और बेस दोनों का मिक्सचर आ जाए तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से चीज़ों को बदल सकते हैं। तो और उसके अलावा कुछ मिक्सर्स के और भी क्वेश्चन से, 10 नंबर क्वेश्चन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन लोगों ने डिस्कस किए। आई थिंक जितने भी पॉसिबल टाइप थे कंसंट्रेशन यूनिट से ये सारे हो चुके हैं, इतना करने आप 1 से 2 बार आप खुद से करें, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा और आपको फिर फर्दर कंसंट्रेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास जो होगी वो वेपर प्रेशर की क्लास होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।